जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें कुल 61,857 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर क्लेम के 27 पारिवारिक वादों के 20 प्री लिटिगेशन स्तर कर विभिन्न बैंकों के 425 वादों का निस्तारण करके 2,34,38,917 रुपये छूट प्रदान करते हुए 1,29,07,003 रुपये नकद जमा कराया गया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति डी के अरोरा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश, एडीजी फास्ट नीरजा सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, महामंत्री प्रियानंद सिंह, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस मौके पर एडीजे डी के अरोरा एवं जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश ने कहा कि न्याय को सरलता के साथ तथा समय से निपटाएं, जिससे वादिकारों को उचित न्याय मिल सके। लोक अदालत के आए मुकदमों के निस्तारण के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव नुसरत खान ने कहा, आज आपसे मैं अपने हम लोगों के लिए बहुत या
मीडिएशन के माध्यम से प्रारंभ से ही कोशिश कर रहे हैं और आज के लोक अदालत के माध्यम से अधिक मुकदमे निपटाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो सारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो निरंतर इस काम में लगे हुए हैं और मैं माननीय महोदय को बताना चाहूँगा कि हम लोग इस विषय पर MEC के मामलों में करीब करीब रोज ही मीटिंग ले रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुकदमे निस्तारित किया जा सके। इसी क्रम में ये भी बताना चाहूँगा माननीय महोदय को मैं कि जो बिजली के मुकदमे हैं, बिजली बोर्ड के जो चालान के केसेस आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के केसेस आते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रयास किया, एक्सेस में बुला के कहा है, इसी प्रकार से बैंक वालों को भी कहा है और मेरा विश्वास है कि हम लोग अधिक से अधिक मुकदमों को निस्तारित करेंगे और माननीय महोदय के दिशा निर्देश एवं जो आशीर्वचन है यहाँ पधारने के लिए मैं धन्यवाद दाखिल करता हूँ। पूरा नहीं जमा कर रहा हूँ, टाइम आज गोरखपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय, माननीय जनपद न्यायाधीश उपस्थित रहे। उनके कुशल नेतृत्व में आज कुल 72,801 केसेस नियत किए गए थे जिनमें से 61,857 मामले निस्तारित किए गए। आज की इस लोक अदालत में हम लोगों ने एक नया आंकड़ा पार किया है जिसमें न्यायालय व प्रशासन का पूरा योगदान रहा है। गोरखपुर की जनता ने भी बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने विभिन्न वादों का निस्तारण लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से आज किया है। इसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में हमारे न्यायिक अधिकारीगण ने भी अपनी पूरी मेहनत की है एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी अपने स्तर से ज़िले के समस्त तहसीलदार व उपजिलाधिकारी व विशेष रूप से ADM प्रशासन महोदय जो नोडल अधिकारी थे उनको जो है दिशा निर्देश दिए थे जिनके नेतृत्व में भी काफ़ी मामलों का निस्तारित किया गया, निस्तारण हुआ है। आज प्री लिटिगेशन के स्तर पर कुल 59,095 मैटर निस्तारित किए गए हैं जिनमें जिनका सेटलमेंट अमाउंट जो है 1,29,07,003 रुपए हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटना प्रतिकर के मामले में न्यायालय ने 1,23,02,500 रुपए का प्रतिकरण पीड़ित परिवारों को दिलाया है तथा 4,64,600 रुपए की फाइन अर्थदंड की धनराशि आज न्यायालय में जमा कराई गई है। इसके अतिरिक्त बिजली से संबंधित, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित, NI एक्ट से संबंधित सारे मुकदमे आज निस्तारित किए गए हैं। ये जो फिगर है ये शो करता है कि गोरखपुर में लोक अदालत का एक सफल आयोजन किया गया है और ये सारा प्रयास एक टीम की तरह करने से प्राप्त हुआ है। इस टीम में हमारे जो है न्यायिक अधिकारीगण, हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे बैंक कर्मी सबका, इसमें मीडिया का भी काफ़ी योगदान रहा है जिसने लोक अदालत के बारे में जो है सारी न्यूज़ का अच्छी तरीके से जो है पूरे ज़िले में इसका प्रचार किया गया। तो ये एक टीम एफर्ट था जो कामयाब रहा है और एक अच्छा आयोजन लोक अदालत का सफल आयोजन किया जा सका है।